नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो टाइम्स में। मेरा नाम है आदित्य और आज यहाँ पर हम आए हुए हैं अहमदाबाद डीजे टोयोटा में हाई राइडर को देखने। पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे कार को, अंदर बाहर सभी एक फीचर्स आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रंट लुक्स के बारे में, तो फ्रंट लुक्स बहुत ही अलग आपको देखने को मिल जाते हैं ग्रैंड विटारा से। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही कार सेम प्लेटफॉर्म और कंबाइंड मर्जिंग कंपनी के साथ, टोयोटा और मारुति के साथ बनी हुई है एक ही प्लेटफॉर्म। और सभी तरह के इंटीरियर्स भी आपको थोड़े थोड़े सिमिलियरिटीज आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। फ्रंट लुक्स के बारे में बात करें तो आपको ग्रैंड विटारा से एकदम ही अलग देखने को मिल जाते हैं हाई राइडर के फ्रंट लुक्स। यहाँ पर आपको ड्यूअल DRL स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, बीच में आपको क्रोम की लाइनिंग ऑल ओवर द रेंज ग्रिल को टच करते हुए साइड में भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है। बीच में आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है और शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक में आपको कार्बनिक फिनिश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 360 व्यू के लिए फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और बहुत ही बढ़िया ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। लाइटिंग सेटअप के बारे में बात करें तो फुल्ली LED आपको यहाँ पर लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाता है। कोई भी तरह का फॉग लैंप नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंटीग्रेटेड आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाता है। ये अभी हाई बीम पर है कार, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रोम की फिनिशिंग के साथ आपको हेडलाइट भी देखने को मिल जाती है और इसका थ्रू भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अभी रात का समय है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफी बढ़िया थ्रू भी आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी फॉग लैंप का सेटअप नहीं है। नीचे की तरफ अगर हम ग्रिल देखें तो डार्क ग्रेश डिजाइन में आपको यहाँ पर ग्रिल देखने को मिल जाती है फ्रंट ग्रिल। और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ से अगर हम देखें तो स्क्रीन पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस कितना है वो देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया लुक यहाँ पर आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर में देखने को मिल जाते हैं। बॉनेट एरिया भी काफी लंबा है यहाँ पर अगर हम देखें तो। व्हील्स के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको ऑल ओवर द रेंज यहाँ पर आपको ग्लाइडिंग देखने को मिल जाती है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 18 इंच के व्हील देखने को मिल जाते हैं। व्हील की प्रोफाइल अगर मैं कहूँ तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दी जाएगी, प्रोफाइल है 1560R17 इंच के। जी हाँ दोस्तों, 17 इंच के आपको व्हील देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक है। और रियर के बारे में बात करें तो रियर भी यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। रियर लाइटिंग सेटअप के बारे में बात करें तो ये कुछ यहाँ पर आपको रियर लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि यहाँ पर फुली LED सेटअप है। और नीचे की तरफ आपको साइड इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर बेस मिलने देखने को मिल जाता है। हाई स्टॉप लैंप के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वाइपर, डिफॉगर और सभी तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। रियर क्रोम फिनिशिंग आपको ऑल ओवर द लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि एक कनेक्टिंग लाइट फीचर देखने को लगता है। यहाँ पर आपको अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और रियर टेल गेट के लिए ओपनिंग के लिए यहाँ पर आपको एक बटन भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक बटन है। यहाँ पर आप कुछ बूट स्पेस देख पा रहे होंगे कार में। यहाँ पर अगर हम देखें तो बैटरी सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी थोड़ी सी बूट एरिया में स्पेस है। नीचे की तरफ देखें तो आपको टायर नीचे माउंटेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको टूल किट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है और आप यहाँ पर बासर ट्रे भी देख पा रहे होंगे। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो कितने लीटर्स का फ्यूल टैंक है वो आपको स्क्रीन पर जरूर से देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी इंटीरियर की झलक अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ब्लैक और ब्राउन में आपको इंटीरियर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको एक वेंट देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आपकी बैटरी गर्म हो तो आपको बैटरी को कूल करने के लिए यहाँ से वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों अगर हम साइड लुक के बारे में बात करें तो ऑल ओवर यहाँ पर आपको ब्लैक ऊपर की लाइनिंग देखने को मिल जाती है। क्रोम के एलिमेंट यहाँ पर आपको जरूर से सभी जगह देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया आपको साइड प्रोपोर्शनेट लुक देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको ड्यूअल टोन ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया कलर की फिनिशिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और ये कलर हाई राइडर पे काफी ही ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ये एक ईवी का कलर है और सॉर्ट ऑफ यहाँ पर आपको सेमी हाइब्रिड देखने को मिल जाता है, तो थोड़ी सी ईवी वाली फील आपको कार में देने के लिए बेहतरीन चॉइस रहेगी ये कलर। क्रोम की लाइनिंग यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग और यहाँ पर आपको साइड पैनल देखने को मिल जाता है। ब्रश फिनिश में आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और इंटीरियर्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं, यहाँ पर आपको बेहतरीन तरह के मारुति से लिए हुए कह सकते हैं हम, तो आपको इंटीरियर देखने को मिल जाते हैं। टोयोटा और मारुति मर्ज होकर ये कार आपको बनाई हुई देखने को मिल जाती है।
साइड डोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में और नीचे आपको सॉफ्ट टच ब्राउन फिनिश में सभी चीजें देखने को मिल जाती है। क्रोम के फिनिश में आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी एक लीटर की बॉटल आप रख सके उतनी जगह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप स्पीकर देख पा रहे होंगे। बीच में यहाँ पर आपको एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं दो, और नीचे आपको पावर सॉकेट भी देखने को मिल जाता है जिसमें कि एक माइक्रो यूएसबी और एक टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। पैनारोमिक सनरूफ के बारे में बात करें तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आप पैनारोमिक सनरूफ देख पा रहे होंगे सनब्लाइंड के साथ। साइड में आपको लाइटिंग ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। और चलिए अभी चलते हैं आगे की सीट में और इंटीरियर पूरी तरह से देखते हैं। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ भी थोड़ी सी एमियट लाइटिंग जैसी फिनिश देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर नीचे आप ग्लव बॉक्स देख सकते हैं, डिसेंट साइड का थोड़ा सा बड़ा आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। कोई भी लाइटिंग का सेटअप, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है। कूलिंग फंक्शन मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको देखने को नहीं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम हाईराइडर के इंटीरियर्स में। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया राउंड स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल और राइट साइड में आपको क्रूजिंग से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाता है। एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्टेयरिंग व्हील। और बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको हैज़र्ड से रिलेटेड बटन, पियानो ब्लैक फिनिशिंग और ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में आपको एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और बीच में अगर हम देखें तो का सॉकेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएसबी पोर्ट भी आप देख पा रहे होंगे। बीच में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड बटन और एसी से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक एसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको टोटली ईवी मोड ड्राइविंग के लिए एक बटन देखने को मिल जाता है। ड्राइविंग मोड्स अलग अलग तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 3 पावर लेवल तक का वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो डिसेंट साइज का यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक है, मैं कहूंगा कि ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक तो नहीं, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक देने की जरूरत जरूर से थी। टोयोटा एक प्रीमियम साइज की कंपनी है तो उसे थोड़े से मारुति से ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड जरूर से करने चाहिए थे। पर अगर हम देखें तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। एचओडी से रिलेटेड कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। 360 व्यू के लिए कैमरा का बटन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और सभी तरह के सॉफ्ट टच मटेरियल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ट्विटर का सेटअप देखने को मिल जाता है। एचओडी यहाँ पर आप जरूर से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है। और सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। 2 हैलोजन लाइटिंग देखने को मिल जाती है। और ये कुछ आप सनरूफ का व्यू देख पा रहे होंगे। सनब्लाइंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अगर हम देखें रियर सीट कंफर्ट के बारे में तो यहाँ पर अगर हम बैठते हैं कार में तो यहाँ पर आप जरा सा लेग रूम देख पाएंगे। वो आगे की सीट सबसे आगे की जगह पर है मैं कहूंगा। यहाँ पर अगर मैं आ जाऊं तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको हम देखने को मिल जाती है सेंटर हम। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इतना सा लेग रूम देखने को मिल जाता है। और हेडरूम के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ यहाँ पर आपको हेडरूम देखने को मिल जाता है। अगर 6 फुट के बंदे तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत शायद से होगी, जी हाँ दोस्तों। पर यहाँ पर आपको 3 तरह के रिक्लाइन एंगल देखने को मिल जाते हैं। और 60-40 स्पीड में आपको सीट्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल में यहाँ पर आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कप होल्डर्स के साथ आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। सेंटर में भी आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ, तो लैप्स बेल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट यहाँ पर आप जरूर से देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ यहाँ पर आप सेंटर इंटीरियर्स देख पा रहे होंगे। सेंटर कंसोल बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर्स यहाँ पर आपको टोयोटा हाईराइडर में देखने को मिल जाता है। ग्रैंड विटारा से इंस्पायर आपको टोयोटा हाईराइडर में इंटीरियर्स देखने को मिल जाते हैं। और मून रूफ नहीं कहेंगे हम इसे, पैनोरामिक सनरूफ आपको थोड़े से लाइट सनब्लाइंड के साथ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाईराइडर का इंजन बे अगर हम ओपन करें तो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ यहाँ पर आपको इंजन बे देखने को मिल जाता है। जो जो स्पेसिफिकेशंस होंगे इंजन से रिलेटेड वो आपको स्क्रीन पर देखने को जरूर से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप इंसुलेशन भी देख पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि कार काफी साइलेंट होने वाली है अपने आप में। आपको सभी तरह के इंजन साइलेंट ही देखने को मिल जाते हैं हाईराइडर में, क्योंकि मारुति सोर्स आपको इंजन देखने को मिल जाता है। और मारुति के बहुत ही बढ़िया 1500cc के आपको साइलेंट इंजन देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ईवी से रिलेटेड सभी वायर्स और सभी तरह के सेटअप देखने को मिल जाते हैं। टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग 6 सेफ्टी देखने को मिल जाती है। और बॉनेट वेट के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको बॉनेट वेट देखने को मिल जाता है।
सेफ्टी जो भी आपको रेगुलेशंस होंगे वो यहाँ पर आपको साइड स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से टोयोटा हाईराइडर का ऑल ओवर रिव्यू वॉक अराउंड, और आपको कैसी लगी कार कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऑटो टाइम्स को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।